सर है हमारा काली मेघा मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। लेखक हैं धर्मवीर भारती। हम जो है इंद्रसेना और मेंढक मंडली के बारे में पढ़ चुके थे। पेज नंबर 102 ओपन करेंगे आप, तो क्या है कि जो धर्मवीर भारती जी हैं, बाल्टी भर भर के फेंकना इस मित्र मंडली, इस मेंढक मंडली पर या इंद्र सेना पर, तो इस चीज को जो है वो निर्मम बर्बादी कहते हैं पानी की, और इस प्रकार के विश्वासों को वो अंधविश्वास मानते हैं। परंतु उनकी जो जीजी है वो क्या है कि इन चीजों पर विश्वास करती है। वो कहती है कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? तो धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि इनको जो पानी की वेस्टेज करवा रहे हैं, पानी की निर्मम बर्बादी करवा रहे हैं, इनको कौन इंद्र सेना कह सकता है? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते होते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? यही नहीं, सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि यह कुछ नहीं है, बस अंधविश्वास है, और इन्हीं अंधविश्वासों का कारण है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। मैं था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, लेकिन कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार मेरे अंदर थे, और एक मैं कुमार सुधार सभा कायम हुई थी उसका उपमंत्री बना दिया गया था, सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था मेरे अंदर। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कस में तीर रखना, हमले के लिए तैयार रहना। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वे थी मेरी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र मेरी माँ से भी बड़ी थी जीजी की। बता रहे हैं धर्मवीर भारती जी कि मेरी जीजी की जो उम्र है वह मेरी माँ से भी बड़ी थी, और रिश्ते में वह मेरी कोई नहीं लगती थी, लेकिन अपने बेटे बहू से भी मुझे अपने बेटे बहू से भी ज्यादा प्यार वह मुझे करती थी, कि अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे। मीन्स वह बहुत प्यार करती थी धर्मवीर भारती जी से। कौन? उनकी जीजी। धर्मवीर भारती जी उनको जीजी कहकर पुकारते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। जिन सारे पूजा पाठों को, तीज त्योहार पर जो रीति रिवाज है, इन सब को जो है धर्मवीर भारती जी अंधविश्वास मानते थे, लेकिन वह इन सब पूजा अनुष्ठानों की खान थी। कौन? लेखक की जीजी। और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, कि इन अंधविश्वासों को धर्मवीर भारती जी जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, लेकिन उनकी जीजी का इनमें बहुत विश्वास था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान और जीजी का कोई भी पूजा या विधान या कोई त्योहार या अनुष्ठान जो है लेखक धर्मवीर भारती जी के बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हुआ, कि जब दिवाली आती थी तो गोबर से गोवर्धन और स्वस्तिक चिन्ह जो है कि कौन बनाता था? लेखक धर्मवीर भारती बनाता था। उससे ही वह सारे जो है पूजा पाठ के काम करवाती थी, ताकि इसको पुण्य लगे इन सब कामों से। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी, 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ। चीनी और आटे से जो है भुरभुरे से बनाई जाती है पंजीरी। तो कहते हैं कि यदि जन्माष्टमी आती तो 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने का काम कौन करता था? धर्मवीर भारती जी करता था। और हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूं।
जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आती है हर छठ। तो हर छठ की पूजा भी वही करते थे, किसी में भुना चना डालते थे। कुल्हिया क्या होती है बेटा? छोटा सा मिट्टी का जो बर्तन होता है, छोटा सा, वो होती है कुल्ही। तो उस उनमें क्या है, छोटी छोटी रंगीन कुल्हियों में किसी में भुना चना भरता था, किसी में भुनी मटर भरता था, और किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल क्या होते हैं? बिना पके हुए चावलों को कहेंगे अरवा चावल, बिना उबाले हुए चावलों को। इसके बाद क्या होता कि किसी कुल्ली में वह मटर भर रहा होता, किसी में भुना हुआ चना, किसी में अरवा चावल, और किसी में भुना गेहूं। जी जी यह सब मेरे हाथ से ही कराती थी ताकि उन सब का पुण्य जो है मुझे लगे, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। तो अब की बार क्या था कि मैंने मना कर दिया था जीजी को। धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मैंने जीजी को मना कर दिया था कि अब की बार जो है मैं इंद्रसेना या मेंढक मंडली पर पानी नहीं फेंकूंगा। तो मेरे मना करने पर क्या है, मैं मुंह फुलाकर बैठ जाता हूँ। मुंह फुलाकर बैठना रूठ जाना, तो नाराज हो जाता हूँ। और जीजी जो है वो काफी बड़ी थी उम्र में, तो वो स्वयं ही जो है बाल्टी भरकर लाती हैं, और बाल्टी भरकर लाने से उनके जो बूढ़े पांव हैं वे डगमगा रहे होते हैं और हाथ उनके कांप रहे होते हैं। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, क्योंकि रूठे हुए थे धर्मवीर भारती जी। तो उन्होंने जब शाम को लड्डू और मठरी खाने के लिए दी, तो जैसे ही उन्होंने रखी, उन्होंने एक साइड खिसका दी। मुंह फेर कर मैं बैठ गया, मतलब जीजी से मुंह दूसरी तरफ करके मैं बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, तमतमाई मींस उनको भी गुस्सा आया, जीजी को भी। पहले तो जीजी को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये बिना बात के जो है मेरे से मुंह फुला के बैठा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जीजी का गुस्सा आने के बाद क्या होता है कि जीजी को गुस्सा आने के बाद फिर, लेकिन ज्यादा देर तक वह गुस्सा नहीं रह सकी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। क्या कहती है जीजी? मेरे पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, पहले तो गुस्सा हुई जब मैंने उनका कहना नहीं माना, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरे से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। तो थोड़ी देर बाद वह मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? कि देख भाई, तू तो इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता है, इंद्र सेना को, मेंढक मंडली को पानी देने को तू अंधविश्वास कहता है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध है। तो क्या कहता है, क्या क्या बताती है दीदी, कि तू इसको पानी की बर्बादी कहता है ना, तो यह तो भगवान इंद्र को जल चढ़ाना है, अर्ध देना, जल चढ़ाना, जैसे हम सूर्य को अर्ध देते हैं। तो यह जो है पानी की बर्बादी नहीं है, यह क्या है, जल चढ़ाना है इंद्र भगवान को। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? जीजी समझाती है धर्मवीर भारती को कि मनुष्य जिस व्यक्ति को, जिस चीज को पाना चाहता है, व्यक्ति जिस चीज को पाना चाहता है, यदि पहले उसको नहीं देगा तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए जो ऋषि मुनि हैं वो दान से सर्वोपरि किसी चीज को नहीं मानते हैं। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? तो फिर धर्मवीर भारती जी उसकी बात को काटते हुए कहते हैं दीदी की बात को, जब दीदी कहती है कि
ऋषि मुनि भी जो है दान को सबसे ऊपर मानते हैं, तो वह उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि क्या ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि जब पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हो तो पानी ऐसे वेस्ट करो, कीचड़ में बहाओ। कुछ देर जीजी चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। भाई हम त्याग नहीं करेंगे तो दान नहीं होगा। उस दान का क्या फायदा यदि हम त्याग ही नहीं सकते कुछ। यानी कि देखिए बेटा, ध्यान दान क्या है, यदि उस चीज की आपको भी जरूरत है और साम जिसको आप दे रहे हो उसको भी जरूरत है, तो वास्तव में दान वही है। त्याग तो आपने उस चीज का किया है। यदि आपके पास कोई चीज एक्सेस में है और आप उसको दान कर देते हो तो वो दान दान नहीं है। कौन कहती है ये बात? जीजी कहती है, यदि कोई चीज किसी चीज की तुम्हें भी जरूरत है और सामने वाले को भी जो आपसे कुछ मांग रहा है उसको भी उसी चीज की जरूरत है और वही चीज आप दान कर देते हो तो वह सही मायने में दान है। तब आपने त्याग किया है उस चीज का, क्योंकि उस चीज की आपको भी जरूरत थी। और यदि आपके पास कोई चीज अधिक है और यदि आप उसको दे देते हो तो वह वास्तव में दान नहीं है। किसकी सोच है ऐसी? जीजी की। तो कुछ देर जीजी चुप रहती है, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोलती है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे देगा तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है और अपनी जरूरत पीछे रखकर तू दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, दूसरों की भलाई के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वही होता है और फल भी उसी का मिलता है। जो चीज तेरे पास भी कम है और सामने वाले को भी उसी चीज की जरूरत है और यदि तू उसको दान कर देता है तो वास्तव में यही दान है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। तो धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं कि कुछ फल वल नहीं मिलता दान का, सब ये दिखावा है, ढकोसला है, बने बनाए तर्क हैं ये। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। मैंने ये बात कही तो कि ये सब दिखावा है, पर कहीं ना कहीं जो मैं तर्क दे रहा था मैं अपने आप को भी पस्त मीन हारा हुआ सा, मेरे तर्कों को भी मैं हारा हुआ सा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ा था। भाई मैं अपने किला पस्त होना का मतलब हारना, कि मुझे अपने तर्क जो मैं दे रहा था जीजी के विरोध में, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वीक लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे अपने तर्क, और मैं हारता हुआ सा दिखाई दे रहा था जीजी के तर्कों के सामने, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ा था। क्या कहता है कवि धर्मवीर भारती जी की? मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जीजी तू तो अब इतनी छोटी सी उम्र में ही पढ़ लिख गया है, लेकिन मैं तो अब मरने के कगार पर हूँ, लेकिन मैंने आज तक मदरसे का मुंह नहीं देखा, मींस मैं अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई। मदरसा क्या होता है? स्कूल। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह भी बुआई है। तो क्या उदाहरण देती है जीजी? जीजी कहती है कि देखिए, देख बेटा, जैसे किसान होता है, यदि वो अपने खेत से
30-40 मन गेहूं अपने खेत में उगाना चाहता है तो पहले वह अपने खेत में जो है 5-6 शेर 30-40 किलो गेहूं डालता है, उसके बाद ही उसे फसल प्राप्त होती है। यानी कि पहले वो बुआई करता है। और जो हम ये इंद्र सेना पर पानी डाल रहे हैं, यह भी हमारी बुआई ही है। इसका कई गुना जो है हमें मिलेगा। जब बारिश होगी, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, तो इसका कई गुना जो ये पानी हम दे रहे हैं, इंद्र भगवान को अर्ध्य हम दे रहे हैं, इसका कई गुना जो है इंद्र भगवान हमें लौटाएंगे, वापिस करेंगे। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी हमारी बुआई है कि चारों ओर सूखा पड़ रहा है और इस सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह भी बुआई ही है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा
हेलो।